तो हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल कार वाली बात। अब ऐसा क्यों हो रहा है कि दिन पे दिन जो है सेडान्स की सेल कम हो रही है और एसयूवी, हैचबैक, क्रॉसओवर जैसी और एमपीवी जैसी गाड़ियों की भाई बहुत ही ज़्यादा डिमांड बढ़ रही है, दिन पे दिन बढ़ रही है। अब इंडियंस है भाई ज़्यादातर एसयूवी की तरफ ही बढ़ रहे हैं भाई, इन्हें तो एक बार साइड ही रख ले। तो भाई क्यों भाई इंडिया में एसयूवीज ही क्यों ज़्यादा ले रही है, सेडान क्यों नहीं ले रहे हैं? मैंने ऐसे 5 कारण निकाले हैं, अगर आपको बढ़िया लगते हैं तो प्लीज़ कमेंट करना अगर आप उससे सहमत हो, और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए लेते हैं कारण नंबर 1, पैसेंजर कैपेसिटी। अब भाई पैसेंजर कैपेसिटी भाई इंडिया में भाई सपोज भाई आप 20 लाख की गाड़ी ले रहे हो, तो भाई 20 लाख में अब ऐसी थोड़ी ना है कि भाई आप सिविक या यारिस, वरना या सियाज जैसी इंडियंस भाई, क्योंकि भाई वो कभी सुना नहीं भाई किसी ने, भाई 7 सीटर में आती है भाई, किसी ने नहीं सुना भाई, वो तो भाई लिमोजिन में गिन जाएगी। फिर अगर सेडान, एसयूवीज ये सब भाई वो 7 सीटर में आ सकती है। तो भाई इंडियंस जो है वो ज़्यादातर वो चाहते हैं कि भाई कम पैसे में ज़्यादा हो, मतलब भाई 20 लाख के अंदर एक गाड़ी ले रही तो ऐसी ले भाई जिसमें ज़्यादा लोग बिठाए जा सके, आराम ले जाए वो, ये ज़्यादातर। भाई मैं भी खुद भी इंडियन हूँ भाई, वीडियो भाई बुरा मत मानना, ये रियल में होता है भाई इंडिया में। भाई ये सोच है बस एक तरीके की, वो ज़्यादातर ये नहीं देखते भाई क्या कंफर्ट और कन्वीनियंस है। भाई कंपनी इतने पैसे लेकर एक सेडान ही बना रही है तो भाई कुछ सोच के ही बनाती होगी भाई, कुछ कंफर्टेबल होगी, कुछ हाई टेक फीचर्स होगी जो आजकल के ज़माने में आ रही है टेक्नोलॉजीज़। बट यहाँ ऐसा नहीं होता, यहाँ ज़्यादातर भाई यही देखते हैं भाई कम पैसे में ज़्यादा बंदे आ जाए, थोड़ी बड़ी गाड़ी मिल जाए। कारण नंबर 2, हाइट। भाई हाइट भी एक बहुत बड़ा इशू बन जाता है भाई। मैं भी भाई इंडियन हूँ भाई, मुझे भी लगता है भाई थोड़ी बहुत भाई सेडान्स बेकार है भाई, एसयूवी ज़्यादा बेटर है भाई, सबकी अपनी अपनी सोच है वैसे तो। हाइट का भाई ये इशू है, आप गाड़ी लोगे भाई आराम से भाई 15-20 लाख रुपये लगा के और वही नीची गाड़ी लेके चलोगे भाई, बढ़िया नहीं लगेगी भाई नीची गाड़ी। भाई लोग भाई इंडियंस जैसे भाई हम, मैं भी इंडियन भाई, हम सब भाई ये सोचते हैं कि भाई ऊंची गाड़ी लेके चले भाई, देखने में भी ऊंची हो। ऊंची गाड़ी का भाई ये फ़ायदा है, जैसे एसयूवी में स्कॉर्पियो एक्सयूवी है भाई, ये ऊंची गाड़ियां हैं, इनमें भाई ये फ़ायदा भाई रोड भाई थोड़ी क्लियरेंस बड़ी अच्छी आ रही है भाई, रोड दूर दूर तक दिखता है, कोई दिक्कत नहीं आती है, बढ़िया चल भाई, कोई दिक्कत नहीं आएगी चलाने में, थोड़ा आसानी हो जाती है भाई, रोड भाई थोड़ा सा ऊंचा ऊंचा भाई, तो ये आगे का बोनट ये सभी भाई क्लियर दिख जाता है, जिससे ड्राइविंग में थोड़ी आसानी हो जाती है, और कोई इसमें से कारण नहीं। अब चलिए अगले कारण पर बात करते हैं। कारण नंबर 3, लिमिटेड चॉइस। अब भाई ये भी भाई बहुत बड़ा सवाल उठ जाता है। अब चलिए बात करते हैं भाई बेस्ट कार 40, मतलब बेस्ट सेडान 40 लाख के अंदर भाई सबसे बेस्ट सेडान कौन सी आएगी। अब लोगों ने भाई सोचा भाई थोड़ी बहुत जैसे स्कोडा ऑक्टाविया आ जाएगी, सुपर आ जाएगी, और बस मुझे इतना ही पता है वैसे, ज़्यादातर इतना ही, वैसे ये सब ही आएगी और लोग ज़्यादातर ये सभी लेंगे, या कैमरी। अब तो भाई सिविक तो भाई डिसकंटिन्यू हो गई, कैमरी भी 2019 वाली है, इतना ही मिलेगा। मतलब अगर 40 लाख के अंदर लेने जाओगे तो आपको ज़्यादा तो मिलेगी ही नहीं सेडान्स में, बहुत ही लिमिटेड चॉइस है। और अगर आप यही अब एसयूवी में ढूंढने चलोगे तो मैं लिख के कह सकता हूँ 10 तो आपको मिलेगी मिलेगी, और उसमें सबसे टॉप वाली होगी वो फॉर्च्यूनर, एंडेवर, ये सब होगी। तो भाई यही भाई फ़र्क आ जाता है भाई लोगों के पास, भाई सेडान की तरफ भाई कोई जाता है तो उन्हें भाई ज़्यादा चॉइस मिलती ही नहीं, वो भाई देखता भाई कम ही चॉइस है, तो भाई कम चॉइस में कैसे बनेगा हिसाब भाई। अब वो देखिए भाई एसयूवी की तरफ तो देखिए भाई बहुत सारी चॉइस है भाई, आराम से भाई अपने हिसाब की भाई जैसी बैठेगी भाई वो ले लेंगे, तो ये एक कारण बन जाता है बहुत बड़ा भाई। वैसे मैं सच्चा बताऊँ भाई वीडियो में भाई, भाई मैं हेट रेट कोई नहीं फैलाना चाहता भाई, सेडान मत लो एसयूवी लो या एसयूवी मत लो सेडान, ऐसा मैं कुछ नहीं कहना चाहता भाई, वो जो रियल भाई फैक्ट है वो मैं वही बता रहा हूँ, ये मेरा ठीक भी हो सकता है गलत हो सकता है, वो आप पे डिपेंड है भाई आपको कैसा लगता है। कारण नंबर 4, इंडियन रोड्स। भाई इंडियन के भाई, भाई इंडिया के रोड भाई कुछ जगह अब तो भाई रोड भाई सही बनने चालू हो गए, लेकिन भाई जो भी जो कुछ रोड है भाई वहाँ की कंडीशन भाई बहुत बेकार है। जैसे भाई सेडान है भाई इंडियन रोड्स, भाई सबको पता भाई गड्ढे ये सब होते हैं, वो गड्ढे भाई यूँ बनते हैं, जो ट्रक्स होते हैं वो ओवरलोड होते हैं, उनसे होता है भाई सड़क टूट जाती है, तो भाई यही कारण से भाई ये गड्ढे वड्ढे बन जाते हैं, और थोड़े स्पीड ब्रेकर से भी। अब भाई अब सेडान गाड़ी लेंगे उनका तो ग्राउंड क्लीयरेंस कुछ होता ही नहीं, वो तो बहुत ही नीचा होता है उनका ग्राउंड क्लीयरेंस, तो भाई वही एक दिक्कत बन जाती है भाई ग्राउंड क्लीयरेंस से। अब भाई अब उसके जगह भाई अब लोगे एसयूवी जैसी गाड़ी भाई स्कॉर्पियो एक्सयूवी या फिर ये सब फॉर्चुनर एंडेवर चलाओगे तो भाई वो तो भाई कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि वो बने ही इन्हीं चीज़ों के लिए है, वो बने ही ऑफ रोड के लिए है, या फिर क्रॉसओवर हैचबैक भी लोगे वो भी एक बार को नहीं लगे, क्योंकि वो भी बहुत ऊँची मिल जाती है सेडान्स के मुकाबले में।
तो भाई ये एक कारण और बन जाता है जो मुझे लगता है, क्योंकि भाई इंडियन रोड्स की भी जो हालत है अभी भी काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। भाई मैं दिल्ली में रहता हूँ, एक गांव में रहता हूँ दिल्ली के नॉर्थ वेस्ट जोन में, अभी भी भाई बहुत ही ज़्यादा दिक्कत है। भाई मैं खुद मैं देखता हूँ भाई हमारे गांव की भाई सड़कें भाई बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, टूटी फूटी है भाई। सरकार भाई कहते हैं भाई कुछ करती ही नहीं। और जो सबसे अलग और सबसे आखिरी वाला जो कारण है वो है रोड प्रेजेंस। अब चलिए एग्जांपल लेते हैं भाई 40 लाख के अंडर वाला फिर से, और एक 20 लाख के अंडर वाला। अब चलिए भाई आपने 40 लाख के अंदर भाई ले लिया आपने एक सुपर्ब जैसे सपोज, और मैंने ले ली भाई 40 लाख के अंदर की भाई एक इंडेवर। अब आप भाई सुपर लेके निकलोगे भाई, लोग देखेंगे हाँ भाई भाई गाड़ी भाई सेडान एस्कॉर्ट आ गई है भाई, ठीक ठीक है। अब भाई मैं लेके निकलूँगा भाई फॉर्चुनर, अब भाई लोग देखेंगे भाई फॉर्चुनर भाई बड़ी गाड़ी ले रहा है भाई, बहुत पैसा है भाई, ये होगा वो होगा भाई, मोटी कमाई है। तो एक बार ये और बन जाता है रोड प्रेजेंस, मतलब रोड पर भाई लोग भाई प्रेजेंस भाई बना रहता है भाई, हाँ भाई भाई बड़ी गाड़ी है भाई, कुछ ना कुछ तो भाई होगा भाई, बड़ी गाड़ी है, नाम हो जाता, मतलब एक तरह की शान बन जाती है बस, और कोई कारण नहीं है भाई। अब ये नहीं देखेंगे भाई कंफर्ट कन्वीनियंस भाई फीचर भाई, स्कोडा सुपर भाई काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल कार है भाई, काफ़ी मज़ा आता चलाने में, बट ये नहीं देखते। पर यूँ देखते भाई लोग क्या सोचेंगे, सच में ये देख के लोग ले लेते हैं भाई, सच सच में मजाक नहीं कर रहा हूँ। हमारे घर में अभी एक फैट बाइक आई है भाई, कल परसों में ही आई है, अभी लाल कलर की लाए हम, एक मोटे टायर वाली जिसे कहते हैं, सॉरी काफ़ी मोटे टायर आते हैं उनमें। तो भाई हमने ये सोच के भाई ज़्यादातर मेरे घर वालों शायद ये मुझे लगता है भाई ये सोच के नहीं ली होगी भाई, उसके मुकाबले में एक पतले टायर वाली भाई बहुत बढ़िया रहती है भाई चलाने में, मोटे टायर वाले भाई यूँ देख के लिए भाई लोग देखेंगे हाँ भाई मोटे टायर वाली साइकिल है भाई, आजकल ट्रेंड में आ रहा है भाई, ट्रेंड बस और कुछ नहीं, बस कंफर्ट कन्वीनियंस नहीं देख रहे, ट्रेंड देख के ले रहे। ये भाई सच में हमारे घर में भी हो रहा है भाई, हमें क्या बताऊँ भाई, मैं तो भाई बच्चा हूँ भाई, मेरी तो अभी बात सुनेगी ही नहीं। तो चलिए अब यहीं ख़त्म करते हैं वीडियो को, अगर वीडियो अच्छी लगी भाई लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना, इंस्टाग्राम पे भी कर देना भाई, वहाँ पे मैं थोड़े बहुत गेस्ता कार चैलेंजेस और मीम्स डालता हूँ भाई, बढ़िया बढ़िया मीम्स, तो जाके फॉलो कर लेना @ कार वाली बात। तो चलिए वीडियो को यहीं ख़त्म करते, तो चलिए बाय बाय।